नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सुरेश टेक फिशन आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए ओएस के बारे में। जी हाँ, पोको एफ1 के लिए आपको 10.0 के ऊपर में सबसे पहला बिल्ड कार्बेरियस ओएस का मिल जाता है और ये फिलहाल के लिए अभी अनऑफिशियल वे में है, तो मतलब कि आपको ऑफिशियल भी बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो जरा सा आपको वेट करना होगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ आपको सेटिंग के अंदर लेके अबाउट पेज पे, और ये रहा हमारे पास में एंड्रॉयड वर्जन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 10, और इसको जो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ। या अभी आपको दिख रहा होगा ये जो आपको एंड्रॉयड 10 मिल जाता है, और ये देखिए यहाँ पे हमें जो एंड्रॉयड 10 का सबसे पहला बिल्ड मिलता है, ये एंड्रॉयड 10, और इसके अलावा आपको जो सारे गेस्टर्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बिल्ड नंबर की बात करें तो आपको बिल्ड नंबर ये पहले वाले के ऊपर में जो इसको पोर्ट किया गया है, और हालांकि यहाँ पे आपको जो बाकी सारी चीज़ें सिक्योरिटी पैच 5 सितंबर वाला मिल रहा है, बेसिकली आपको अभी भी ये सितंबर का ही मिल रहा है, बहुत ही लेटेस्ट नहीं मिला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ सब वर्किंग है। तो दोस्तों आपको ओवरऑल जितनी भी चीज़ें अभी एंड्रॉयड 10 के अंदर में वर्किंग है वो सभी चीज़ आपको यहाँ पे भी वर्किंग मिल जाएगा। वोल्टी वर्क कर रहा है, एयरटेल का मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास में एयरटेल का सिम है नहीं। हालांकि इसके अंदर में आपको कोई भी अदर कस्टमाइजेशन फीचर्स नहीं मिलता है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ। इवन एक और भी बग मैंने देखा है जो कि बैटरी के अंदर में आपको अगर बैटरी परसेंटेज को भी एक्टिवेट कर देंगे तो भी आपको स्टेटस बार के ऊपर में आपको जैसे बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखेगा। ये चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर अनोइंग सा लगा। इसके अलावा आपको जी कैम का वही सेम सीन आपको यहाँ पे भी मिलता है, जो कि आपको आई मीन 6.0.1 वाला जो सो आपको वर्किंग है, और जो आपको स्पेसिफिक वही वाला आपको एंड्रॉयड 10 में वर्किंग है। और इवन आप वहाँ पे आई मीन वीडियो के अंदर में EIS वर्क नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, और साथ ही साथ में आप ANX कैमरा अभी भी फिलहाल पोर्ट नहीं किया गया एंड्रॉयड 10 के लिए, तो वो भी आपको वर्क नहीं होगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी भी डे टू डे यूज़ के लिए एंड्रॉयड 10 थोड़ा बहुत पीछे है। अगर हम कैमरा सेंट्रिक बात करें तो अगर इधर अदरवाइज आपको जो है परफॉर्मेंस के मामले में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलता। यहाँ पर अगर हम एंड्रॉयड बेंचमार्क की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है 1,72,000 का यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलता है, जो कि ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ग्रेट भी नहीं है। यहीं पर अगर हम साइबेरिया आई मीन सीआर ड्रॉइड हो इसकी बात करें दोस्तों, सीआर ड्रॉइड के अंदर में आपको जो है 2,89,000 के अकॉर्डिंग मिल जाता है वहाँ पे, तो वो सबसे ज़्यादा आई मीन एंटूटू मैच मार्क्स मुझे मिला था अभी तक का, वो भी एंड्रॉयड 10 के अंदर, ठीक है। बाकी आपको गेस्टर्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं गेस्टर्स वगैरह बहुत ही मज़ेदार से स्मूथली वर्क करता है। आपको यहाँ पे भी पिक्सल का जो सो आपको ये लॉन्चर मिल जाता है, पिक्सल लॉन्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बार आपको सबसे नीचे ही मिलता है, और इस पिक्सल के लॉन्चर होने की वजह से आपको जो सो स्क्रीन डाउन स्वैप डाउन वाला गेस्टर्स भी नहीं मिलता है, इवन आपको डबल टैप को स्लिप भी नहीं मिलता, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको अनोइंग सा मिल जाएगा, बट स्टिल अच्छा है ये रोम। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसके अंदर भी आपको जो सो कैमरा मिलता है वही आपको जो सो पुराना वाला कैमरा मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये वही आपको जो पुराना वाला कैमरा मिलता है। अगर हम कैमरे में बात करें तो आपको गूगल कैम 3.0 वाला ये कैमरा मिलता है इन बिल्ट वाले, जो कि पिक्चर वीडियो सभी लेने में सक्षम है, लेकिन हाँ इसको आप जो सो अपग्रेड कर सकते हैं 6.1 के ऊपर में गूगल कैम, और नहीं तो आप जो सो एक अदर आई मीन जो एक फुटेज करके कैमरा आता है उसके अंदर आप जा सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है एंड्रॉयड 10 के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा मुझे जो इसमें और कोई लैग नहीं मिला है। हाँ स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है क्योंकि यहाँ पर मुझे कस्टमाइजेशन का अभी तक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि एंड्रॉयड 10 की डेवलपमेंट काफ़ी टाइम से हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास में अभी भी स्टिल कस्टमाइजेशन के मामले में बहुत कम कस्टमाइजेशन है, तो कस्टमाइजेशन हम अभी भी चाह रहे हैं ताकि हमें मिले, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह की बात करें तो दोस्तों टेम्परेचर वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता है पबजी के अंदर में, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टी टच अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो दोस्तों मल्टी टच इशू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट वेंडर है 10.3.8 वाला वेंडर के ऊपर मैंने ये फ्लैश किया है, और यहाँ पे मुझे सो अभी भी कोई भी आई मीन मल्टी टच फीचर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, मीन्स जो घोस्ट टच होता है हमारा, तो घोस्ट टच इशू यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हो चुका है, हालांकि ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे नहीं आता है। इवन द घोस्ट टच इशू जो मुझे यहाँ पे एरो वेस्ट के अंदर में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है। तो दोस्तों ये है इस रोम के बारे में। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा इनडेप्थ की तो दोस्तों ये जो आपको सभी रोम में एक ही जैसा मिलता है, बाकी बहुत सारे मैंने इनडेप्थ रिव्यू किए हुए हैं ऑलरेडी। आपको जो डिजिटल वेलबींग मिल जाता है, इसके अलावा आपको जो सो गेस्टर सपोर्ट मिल जाता है, लोकेशन, और अभी भी आपको जो थर्ड पार्टी ऐप को स्टोरेज आई मीन जो परमिशन देते हैं हम उसको कॉपी वगैरह करने के लिए, वो अभी भी इशू चल रहा है एंड्रॉयड 10 के अंदर, वो सारे इशू अभी भी आपके यहाँ पे झेलने होंगे, ठीक है।
ओवरऑल रोम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें लैगिनेस नहीं है और बहुत ज़्यादा स्मूथनेस भी नहीं है। तो मैं आपको ये एज अ ओके ओके रिकमेंडेशन में करूँगा कि बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं। यहाँ रिकमेंडेशन के लिए एंड्रॉयड 10 में आपको सी एंड्रॉयड है, दूसरा पिक्सल एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा आपको MIUI 11 वाला मेरे रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ इस रोम को आपको फ्लैश कैसे करना है। ठीक है, तो फ्लैश करने का जो सो मेथड है वो सेम ही है, हालांकि इसके अंदर मैं आपको GApps इंक्लूड ही मिल जाता है, तो आपको जो सो कोई टेंशन नहीं लेने का कि अलग से आपको GApps भी फ्लैश करना है। तो इसके लिए आपको जो सो पावर ऑफ करना है अपने फ़ोन को, तो ये देखिए अभी हमने पावर ऑफ कर दिया, एंड देन जस्ट पावर को जो सो रिकवरी मोड में जाना है, ये देखिए, तो ये जो वॉल्यूम की और आपकी को एक साथ में दबा के रखना है इसको, और रिकवरी मोड में जाएंगे, ये देखिए। दोस्तों अभी जो हम आ चुके हैं रिकवरी मोड में, इसके अलावा जो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वाइप में जाना है, आपको एडवांस वाइप में जाना है, टेलविक सिस्टम डेटा और कैश, इन चार चीज़ों को आपको टिक करना है, और यहाँ पे आपको स्वाइप टू वाइप करना है। जैसे आप स्वाइप टू वाइप करेंगे तो ये वाइप हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इसके बाद में आपको इंस्टॉल में आना है, इंस्टॉल में आने के बाद में आपको जैसे डायरेक्टली ये देखिए यहाँ पे हमारे पास में जैसे ये कार्बेरियस OS वर्जन 2.0 सबसे फर्स्ट बिल्ड है, ये देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कार्बेरियस OS 2.0, तो हमें जो है इसको टिक करना है, और इसके साथ साथ में ऐड कर देना है। यहाँ पे आप दो चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे आप DFE विथ 19.5, ये वाला ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ ताकि हमें मैजिक्स भी एक ही साथ में मिल जाता है, जिसके अंदर मैं कैनरी मैजिक्स को, आप 19.3 वाला अगर यूज़ करेंगे तो आपका बूट नहीं होगा, बूट रूप में चला जाएगा। तो इसके लिए अगर आप सेफ साइड लेके चलना चाहते हो तो दोस्तों सेफ साइड के लिए आपको जो सो ओनली डिसेबल फोर्स इंस्क्रिप्शन आप यूज़ कीजिए, और आप जो सो मैजिक्स को बाद में यूज़ कर लीजिए। तो मैंने DFE कर दिया, दो चीज़ें हमारे क्यू में हो गया। उसके बाद में आपको स्वाइप टू इंस्टॉल करना है, और जैसे आपका स्वाइप टू इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में आप इसको रिबूट कर लीजिए अपने सिस्टम में, और आपका फ़ोन जो सो एक बार इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे जो OS डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो OS डिटेक्ट नहीं होने के बावजूद आपको जैसे यहाँ पे स्वैप टू कंफर्म कर देना है, ये देखिए। तो स्वैप टू कंफर्म करेंगे तो आपका जैसे फ़ोन एकदम से बूट अप हो जाएगा आपको नए OS के अंदर, साइबेरियस OS, जो कि फिलहाल के लिए भी अनऑफिशियल है। ओके, एंड जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जैसे फर्स्ट बूट में थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगे, तो आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, आराम से वो बूटअप हो जाएगा, क्योंकि सबसे फर्स्ट बूटअप में जो एंड्रॉयड ऑप्टिमाइजेशन होता है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा जो बूटअप हो चुका है और हम फ़ोन को आराम से यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन हमारे स्टार्ट हो रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को कर दिया लाइक शेयर कमेंट। जी हाँ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं रोजाना आपके लिए इसी तरीके से नए वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वंदे मातरम। व्हाट इज दिस।